नमस्कार दोस्तों, दिवाली लक्ष्मी जी के पूजन का त्यौहार है। इस दिन धन संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद लेकर प्रकट होने की वजह से भगवान धन्वंतरी को औषधि का जनक भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। भगवान कुबेर को लक्ष्मी जी का खजांची कहा जाता है। धनतेरस वाले दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। दिवाली से संबंधित खरीदारी भी इसी दिन की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाएगी उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। अब ऐसे में लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर किस सामान की खरीदारी की जाए। दोस्तों, आज हम आपको कुछ धनतेरस के दिन खरीदारी करने वाले वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन जरूर खरीदें। बर्तन खरीदने के पीछे मान्यता है कि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो वह एक पात्र में अमृत लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी की जाती है। धनतेरस के दिन चांदी धातु की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। चांदी चंद्रमा की धातु है। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश कृति ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। कोड़िया समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कोड़ी भी आई थी। कमल की फूल की तरह ही कोड़ी भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। धनतेरस के दिन आप कोड़िया खरीद दिवाली के दिन इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि तिजोरी में कोड़िया रखने से धन की हानि नहीं होती है। धनिया की खरीदारी, धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदकर दिवाली वाले दिन उसे उगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। दिवाली से संबंधित खरीदारी भी इस दिन की जाती है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, खिल बतासे और मिट्टी के दिए धनतेरस के दिन ही खरीद लेना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।